नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। कब जाएंगे अपने मकान में, यह दर्द ब्याह कर रही है कैलीटाड स्थित प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र। जी हां, जहां बिहार के स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर नए नए घोषणाएं करते हैं, तो वही वैशाली जिला के अंदर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र, आयुर्वेदिक औषधालय, इन सभी की हालत दिन प्रतिदिन दयनीय होती जा रही है और इन्हें देखने वाला कोई नहीं है। प्राप्त सूचना के बाद जब हमारी टीम भगवानपुर प्रखंड क्षेत्र के प्राप्त तांड पूर्वी पंचायत के कैली टांड गांव में पहुंचे, तो प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र पर हमारी टीम ने देखा कि प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र सरकारी अस्पताल के जर्जर हुए मकान में चल रहा है, जबकि यहां के ग्रामीणों ने बताया कि यहां से महज 200 मीटर दूरी पर लगभग 8 वर्ष पहले स्वास्थ्य केंद्र के नाम से एक भवन बनाया गया था, जिसमें बिजली कनेक्शन भी है, लेकिन भवन का विधिवत उद्घाटन न होने की वजह से इसमें सिर्फ जंगली कीड़े मकोड़े एवं जंगली जानवर वास करते हैं। इस पंचायत की दूरी प्रखंड मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर की है एवं CHC भगवानपुर से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, लेकिन अपने ही इलाज को तरस रहा है यह स्वास्थ्य केंद्र। कब मेरा उद्धार होगा और मैं अपने नए मकान में जा सकूं? इस स्वास्थ्य केंद्र के बारे में जब हमारे टीम पंचायत के वर्तमान मुखिया से बात करने गई, तब मुखिया ने बताया कि यह स्वास्थ्य केंद्र का मकान हमारे कार्यकाल से पहले बना था, इसलिए ज़्यादा तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन जैसा सुनने में आया है इस मकान को अभी तक संवेदक द्वारा स्वास्थ्य विभाग को नहीं सौंपा गया है। आइए सुनते हैं मुखिया राजेश कुमार ने क्या बताया। मुखिया जी, अभी कोविड को लेके लोगों में काफ़ी कुछ परेशानियां बीमारी को लेके सर्दी खांसी से जुड़ा हुआ है या अन्य बीमारियों से, क्योंकि लॉकडाउन के कारण भी या कोविड महामारी के फैलने के कारण लोग बाहर जा नहीं पाते हैं इलाज के लिए, तो वैसी स्थिति में यह प्रताप टांड पंचायत जो है पूर्वी पंचायत, यहाँ के लोगों के परेशानी को दूर करने हेतु कितने इस पंचायत में कितने उप स्वास्थ्य केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र हैं? देखिए, पंचायत जो है यहाँ दो एवेन्यू विलेज हैं, एक प्रताप टांड, दूसरा जो है कैली टांड, जिसमें 6 एवं 7 नंबर वार्ड आता है, 2 वार्ड हैं, तो वहाँ स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं, वहाँ एक ANM है, काज करती भी है। दूसरा है यहाँ एक जो है एडिशनल PSC है, तो वहाँ जो है डॉक्टर का, तो हम बराबर BDC में इसका क्वेश्चन करते रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री महोदय से भी हम मिले हैं एक बार, तो वहाँ जो है एक तो डॉक्टर हैं जो आयुष चिकित्सक हैं। अभी इधर जो है माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय का आया था, तो उसमें 2 डॉक्टर का हुआ है 2 दिन, तो यहाँ भी कोविड का सुई पड़ रहा है लोगों को, वहाँ भी एक महिला है, लेकिन वहीं जो है स्वास्थ्य उपकेंद्र मेरे मुखिया होने के पहले, मुखिया क्या हमारी पत्नी सरपंच थी 2006 में, उसके पहले जो है एक स्वास्थ्य उपकेंद्र बना था भवन, लेकिन भवन मेरे जानकारी में वो अभी तक विभाग को हैंड ओवर नहीं किया गया, ना उसका पूर्ण रूपेण काज हो सका, पता नहीं कौन उसके जो है ठेकेदार थे, संवेदक, ये भी हमको मालूम नहीं। ये किस फंड से बना था, कुछ वैसा जानकारी है आपको? नहीं, मेरे जानकारी में नहीं, कोई वैसा जानकारी नहीं, लेकिन बिहार सरकार के ही फंड से बना होगा। उसमें तो अभी देखने में आया है कि बिजली का कनेक्शन तो किया गया, लेकिन पेड़ पौधा इतना ज्यादा जंगल है कि उसमें जंगल का ही खेती हो रहा है। मेरे जानकारी में विभाग को हैंड ओवर नहीं हुआ, हम एक बार इससे इसके संबंध में हम जो PSC के प्रभारी हैं भवन, उनसे हम बात किए, तो कहते हैं हमारे जेहन में जानकारी में नहीं, तो हम क्या बोले। एक और है सवाल, ये आपका प्रतापगढ़ में एक जो स्वास्थ्य उपकेंद्र है, स्वास्थ्य उपकेंद्र नहीं, एडिशनल पीएससी जो है, तो वहाँ पे भी रखरखाव और पेड़ पौधा या जंगल का बहुत ज्यादा देखा जा रहा है, साफ सफाई के मामले में कुछ नहीं दिख रहा है? नहीं, देखिए वहाँ रोगी कल्याण समिति है, उसके बहुत सक्रिय रूप से काज नहीं कर रही है, बराबर जो है डॉक्टर का चेंजिंग हो रहा है, यही सब कारण है। ऐसे जो हॉस्पिटल कैंपस है वो तो बिल्कुल साफ सुथरा है, वहाँ हम आपसे बता दें 9/4/2012 को उस समय के तत्कालीन जिला पदाधिकारी श्री प्रेम सिंह मीना साहब वहाँ प्रसव कक्ष का भी उद्घाटन किए थे, लेकिन प्रसव कक्ष का उद्घाटन हुआ और कल से ही कहीं कुछ नहीं था और आज तक नहीं हुआ, एक भी प्रसव का जान नहीं हो पाया। हम समझते हैं सरकार का कितना लाखों का सामान भी आया था, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया।
वहाँ पे कुछ और अनियमितता देखी गई है, जैसे दिन में 2 बजे ही हॉस्पिटल का बंद हो जाना, या जो डॉक्टर के रहने के लिए मकान है उसमें जंगल झाड़ और मकान गिर गया। मकान का मरम्मत नहीं हुआ है, लेकिन अभी फिर भी एक ठो मकान मान लोग नहीं है इसके लिए, साफ सफाई के कारण एक ठो डैमेज है, एक ठो तो बिल्कुल डैमेज है, एक ठो रहने लायक है, लेकिन डॉक्टर स्थायी रूप से रहते ही नहीं है यहाँ कोई, आज तक कोई MBBS डॉक्टर, एक शिव चंद्र भगत जी थे जो अभी सुनने में आया था कि पिछले साल मुजफ्फरपुर में CS थे, उसके बाद एक कन्हैया शर्मा थे, तो ये लोग थे तब तक था, उसके बाद हम समझते हैं कि 20 वर्ष से कोई MBBS डॉक्टर स्थायी रूप से यहाँ नहीं रहते। चलिए आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा राजेश कुमार नाम है, मुखिया ग्राम पंचायत राज प्रतापगढ़ की।